पुलिस महानगर से मैं सदिया हुसैन से आज हमें मुंब्रा के पुलिस चौकी के पास जहां पे ये बाबा साहेब अंबेडकर का है यहां पे आज महिला लोगों ने धरना आंदोलन किए है रफी कामदार के खिलाफ। तो यहीं पे हमारे साथ नाज गोलंदाज भी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। आपको एक बात बताते हैं कि नाज गोलंदाज है सुकून महिला की अध्यक्ष है, तो आइए उनसे बात करते हैं। नाज आपा, आज आपने जो धरना आंदोलन किए है वो आप बता सकते हैं रफी कामदार के खिलाफ क्यों आप धरना आंदोलन पर बैठे हो? अस्सलाम वालेकुम। सभी आपा, आपको बताने की जरूरत नहीं है, इससे दो साल पहले पिछले भी साल उसने क्या अत्याचार किया था आपके साथ, मेरे साथ और अभी ये नई पीढ़ी थे रिजवाना उनके साथ। तो अब इसका जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ चुका है और अब ये जुल्म हम लोग लेडीज नहीं सहेंगी और अब जो भी हो आप उसका अंजाम उसको दिखा के रखेंगी। मैम, जिस तरीके से आप बता रहे हो कि रफी कामदार ने आज एक नई पीड़ित के भी साथ इसी तरीके से किया है, उसकी तो हमने कई बार वीडियो वायरल की है जिसका नाम है रिजवाना, तो रिजवाना के साथ क्या अत्याचार किया था रफी कामदार ने वो भी आप खुल के बताओ। देखिए मैडम, जहाँ तक के किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का किसी को हक अधिकार नहीं है, वो उसके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर किया या उसको सामने से ऑफर किया, रिजवाना ने बात को नहीं मानी, फिर शाहिद को उसके घर पे भेजा गया, फिर शाहिद ने उसकी जो असली असली फोटो, जबकि उसको कोई भी राइट नहीं बनता है शाहिद को क्या उसके घर में जावे, और उसके घर में उसकी जो वो हालत में भी नहीं थी वो लेडीज की वीडियो लोगों ने वायरल किए, जब रिजवाना उन लोगों की बात नहीं मानी। तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि आप इसका अत्याचार नहीं चलेगा और ये हद से ज़्यादा जुल्म कर रहा है, इसके ऊपर ये इतना बड़ा आरोपी है, हिस्ट्री टीचर है, ये छोटा राजन का है, ये इसके ऊपर लकी कंपाउंड का है, हफ्ता बजरी कई सैकड़ों गुना इसके ऊपर है, लेकिन हम लोग ने एसीपी साहब डीसीपी साहब, ये मेरा तीसरा आंदोलन है, लेकिन मुंब्रा चौकी इसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है, ये यहाँ के जो नेता लोग के तलवे चाटता है, क्योंकि इसका घर नहीं चलेगा, इसकी तड़ीपारी निकल चुकी है, सब चीज़ इसकी निकली है, लेकिन इसको अरेस्ट आप नहीं करेंगी पुलिस जब तक हम लोग यहाँ से कोई भी महिला नहीं है। मैम, आपसे एक और एक सवाल करूंगी मैं, आपने जब जब महिलाओं के ऊपर उसने अत्याचार किया रफी कामदार ने, आपने हमेशा महिलाओं का साथ दिया, लेकिन रफी कामदार ने हमेशा आपके लिए खिलाफ गलत शब्द यूज किए और तुम्हारे वो स्टीम ऑपरेशन करके गलत वीडियो वायरल किए, इस पर आप क्या कहोगे? आज आप जो धरना प्रदर्शन कर रहे जिसके बाद वो तुम्हारे साथ अगर कोई भी हरकत करता है तो फिर आप क्या करोगे? देखिए, मैंने लेटर में एसीपी साहब डीसीपी साहब को मैंने जानकारी दे दी हूँ, अगर मेरी फैमिली या मेरे हस्बैंड को अगर कुछ होता है तो ये इसका जवाबदार रफी कामदार और रहेगा। रिजवाना, मेरा सवाल ये है कि आज आप धरना आंदोलन पर क्यों बैठे हो? मैं धरना आंदोलन पर इसलिए बैठी हूँ क्योंकि इन लोगों ने मेरे घर में आके रफी कामदार, शाहिद और अफशान, ये लोग सब लोग, यार इसमें एक महिला भी है जिसका नाम है सनम, वो खुद उन लोग सब लोग मिल के आके मेरे घर के अंदर आके मेरा वीडियो बनाया, अश्लील वीडियो जिसमें मेरे कपड़े इर्द गिर्द है, और इन लोगों ने वो वीडियो वायरल किए, तो मैंने इन लोगों के खिलाफ, रफी कामदार के खिलाफ, इन सबों के खिलाफ मैंने FIR दर्ज की, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए मैं धरने पर बैठी हूँ। मैंने ये एसीपी सर के पास भी गई थी, डीसीपी सर के पास भी गई थी, उन लोगों का भी ऑर्डर आ चुका है, लेकिन ये पुलिस वाले क्या कर रहे हैं ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, इन लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा ये भी मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं चाहूँगी कि उसको उसकी गिरफ्तारी आज का आज ही हो, नहीं तो जब तक मैं यहाँ से धरने पे से हटूंगी नहीं। तो आपने सुना ना गोलंदाज की भी बातें और पीड़ित रिजवाना की भी बातें, आखिर क्यों नहीं मुंब्रा पुलिस को भी अब तक इसको गिरफ्तार किया है रफी कामदार को? क्या कोई बड़ा हादसा होने का इंतजार कर रही है या फिर क्या नेता लोग इनके सपोर्ट में है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज ना गोलंदाज और रिजवाना पीड़ित वो सब आज आंदोलन कर रही है, इनका एक ही कहना है कि जब तक रफी कामदार अरेस्ट नहीं होगा
हम धरना आंदोलन से नहीं उठेंगे। अब यही देखना है कि कानून इनका कितना साथ देती है। तो मुमरा से कैमरामैन हुसैन के साथ में सबिया हुसैन से।